Hey guys, in this video, I am breaking down the best cycle in 2023. So guys, आप एक ऐसी cycle ढूंढ रहे हैं जो कि high-tech band के साथ साथ आपको हर वो features provide कर सके जो कि एक cycle में होना काफी जरूरी है. मतलब सभी components like brakes, tires, gears, seat, suspension, premium quality के यहाँ पे आपको मिल जाए तो आप एकदम सही जगह आए हैं. इस video में आपकी सारी बातों का ध्यान रखते हुए list में total top 6 cycles को select किया है, जिसमें आपको attractive design के साथ में durability and कई सारे यहाँ पे आपको advanced features मिल जाएंगे. इस video में मैंने totally gear साइकल्स को सेलेक्ट किया है, जिसमें आपको शिमानो एंड माइक्रोशिफ्ट गियर्स मिल जाएंगे. मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्राइस फ्लक्चुएशन यहाँ पे होता रहता है, सो इस बात का आप ध्यान रखें. एंड अगर आपको साइकल्स की प्राइस थोड़ी ज्यादा लगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन्हें सेल्स में परचेज करें. सभी साइकल्स की बेस्ट बाइंग लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप इन्हें इजिली चेकआउट कर सकते हैं. सो वीडियो में एंड तक बने रहना. बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहे. तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को. सो गाइस, लिस्ट में एट नंबर 6 पे आने वाली साइकिल आपको लाइफलॉन्ग की तरफ से 700C देखने को मिलती है. अभी ये साइकिल स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको एक अच्छे ब्रांड के साथ साथ अल्ट्रा लाइटवेट गियर साइकिल लेनी हो. ट्रस्ट मी, ये जो साइकिल है यहाँ पे आपको 700C टायर साइज मिल जाती है, जो की नॉर्मल साइकिल के कम्पेरिजन में काफी थिन होते हैं. एंड इसी वजह से ये साइकिल ऑन रोड काफी स्मूथली चलती है. मतलब यहाँ पे आप एट अ वन टाइम 30-40 किलोमीटर इजिली कवर कर सकते हैं. डिजाइन आप देख सकते हैं प्रीमियम लुक के साथ में एर्गोनोमिक लुक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है. फ्रेम साइज यहाँ पे आपको 18 इंच का हाई क्वालिटी स्टील फ्रेम मिल जाता है, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज है. मतलब यहाँ पे 5-6 फीट तक के लोग इसे इजीली चला सकते हैं. सबसे बढ़िया, यहाँ पे आपको 27.5 इंच के टायर्स मिल जाते हैं, जो कि काफी हैवी व्हील एंड रबराइज्ड क्वालिटी में आते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फ्रंट सस्पेंशन नहीं मिलता, क्योंकि ये 10,000 रुपीज के बजट रेंज में आने वाली साइकिल है. सो इस बात का आप ध्यान रखें. बट विदाउट सस्पेंशन भी ये काफी स्मूथली चलती है. बहुत साइड यहाँ पे आपको पावरफुल डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, जो कि इसके लुक को और ज्यादा इनहेंस करते हैं. सो ये भी बढ़िया है. गियर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको शिमानो गियर्स मिल जाते हैं, जो कि इस प्राइस रेंज में आना काफी बड़ी बात है. यहाँ पे सीट, हैंडल, वायर्स एंड अदर एसेसरीज सभी काफी प्रीमियम क्वालिटी के यूज किए हैं. अब बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आपको अराउंड 10,200 रुपीज में अमेजोन पे देखने को मिल जाएगी. सो गाइस, 10,000 रुपीज की प्राइस रेंज में अगर आपको एक वेल नोन ब्रांड के साथ में पावरफुल गियर साइकिल लेनी है, जिसमें आप स्मूथली लॉन्ग रूट कवर कर सके, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं. इस प्राइस रेंज में ये साइकिल आपकी सारी नीड्स को पूरा करती है. मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं. अभी गाइस, लिस्ट में एट नंबर 5 पे आने वाली साइकिल आपको हरकुलस की तरफ से S29R1 देखने को मिलती है. अब गाइस, ये एक हाई परफॉर्मिंग साइकिल है, जिसे आप ऑन रोड एंड ऑफ रोड दोनों पे ही काफी अच्छे से चला सकते हैं. ये भी एक पावरफुल गियर साइकिल है, जिसमें आपको माइक्रोशिफ्ट गियर्स मिल जाते हैं. सो ये भी काफी बढ़िया है. आप देख सकते हैं इसकी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी एंड इसकी अट्रैक्टिव डिजाइन देखने में काफी स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है. लिटरली सभी कंपोनेंट्स लाइक फ्रंट सस्पेंशन, ब्रेक्स, रिम, वायर्स, टायर्स हैवी क्वालिटी के यहाँ पे आपको मिल जाते हैं. फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 18 इंच का स्टील फ्रेम मिल जाता है, जो कि 29 इंच के टायर साइज के साथ में आता है. मतलब एवरेज राइडर हाइट यहाँ पे आपको 5-6 फीट तक की मिल जाती है. बाकी बैक एंड फ्रंट बोथ साइड यहाँ पे आपको डुअल डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे. एंड जो इसकी सीट है वो भी काफी सॉफ्ट क्यूशनिंग के साथ में आती है, जिससे आप लॉन्ग रूट अच्छे से कम्फर्टली कवर कर सकते हैं. वारंटी में यहाँ पे आपको 1 ईयर ऑन प्रोडक्ट एंड 6 मंथ्स ऑन टायर ट्यूब्स मिल जाएगी. बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आपको अराउंड 14,500 रुपीज में अमेजोन पे देखने को मिल जाएगी. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप इसे सेल्स में ट्राई करें तो ये आपको और भी कम प्राइस में मिल सकती है. सो गाइस, अगर आपको 14,000 रुपीज की प्राइस रेंज में हाई क्वालिटी स्पोर्टी लुक गियर साइकिल लेनी है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं. मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजिली चेकआउट कर सकते हैं.
गाइज लिस्ट में एट नंबर 4 पे आने वाली साइकिल आपको काया की तरफ से काया स्प्लिट देखने को मिलती है। बता दूं कि ये साइकिल हमारी इस लिस्ट की प्रीमियम डिजाइन वाली साइकिल है। यहाँ पे आपको इस साइकिल के 2 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब सब कुछ सेम है, बस टायर्स का फर्क है, जिसमें एक 27.5T और दूसरा 29T। सो आप अपनी नीड के हिसाब से इन्हें परचेज कर सकते हैं। बाकी डिजाइन में आप देख सकते हैं फ्रेम के साथ साथ ऑल ओवर कलर कॉम्बिनेशन काफी अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करता है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 18.5 इंच का स्टील फ्रेम मिल जाता है, जो कि इस लिस्ट में और किसी भी साइकिल में नहीं मिलता। एवरेज राइडर हाइट की बात करें तो यहाँ पे आप 5 टू 5.6 फीट तक के लोग इसे इजीली यूज कर सकते हैं। बात करें इसके गियर्स की तो यहाँ पे आपको 21 स्पीड पावरफुल माइक्रोशिफ्ट गियर्स मिल जाते हैं, जिसमें रियर एंड फ्रंट बोथ साइड यहाँ पे आपको 12 डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं इसके जो वायर्स है वो काफी हेवी प्रीमियम क्वालिटी के यूज किए हैं। बात करें इसकी प्राइस की तो यह आपको अराउंड 15,000 रुपीज में अमेजोन पे देखने को मिल जाएगी। बाकी सेल्स में अगर आप इसे ट्राई करें तो यह आपको अराउंड 14,000 रुपीज तक मिल सकती है। एंड अगर आप इसे खरीदना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस लिस्ट में एट नंबर 3 पे आने वाली साइकिल आपको वेक्टर 91 की तरफ से वेलो 29T देखने को मिलती है। आप में से कम लोगों को पता होगा वेक्टर 91 काफी अच्छा वेल नोन ब्रांड है, जो कि हाई क्वालिटी प्रीमियम साइकिल्स मैन्युफैक्चर करता है। इसकी अधिकतर साइकिल्स काफी एक्सपेंसिव होती है। ये साइकिल स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको एक ट्रस्टेड ब्रांड के साथ में फिक्स 15,000 रुपीज की प्राइस रेंज में प्रीमियम साइकिल लेनी हो। डिजाइन आप देख सकते हैं हाई क्वालिटी बिल्ड के साथ में सभी तरह के कंपोनेंट्स प्रीमियम क्वालिटी के यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। कलर भी यहाँ पे आपको मैट फिनिश मिल जाता है, जो कि इसके लुक को और ज्यादा इनहेंस करता है। फीचर्स में यहाँ पे आपको 21 स्पीड शिमानो गियर्स मिल जाते हैं, जो कि क्वार्टरलेस चैन व्हील सेट के साथ में आते हैं। रियर एंड फ्रंट बोथ साइड यहाँ पे आपको डुअल डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, जिसमें जो इसके वायर्स है वो काफी अच्छी क्वालिटी के साथ में आते हैं। सबसे बड़ी बात, इसका 17 इंच का फ्रेम आपको अल्ट्रा लाइटवेट कार्बन हाइटेंसिल स्टील का मिल जाता है, जो कि अदर स्टील साइकिल्स के कंपैरिजन में काफी लाइटवेट होते हैं। बाकी ये साइकिल 29 इंच के टायर्स के साथ में मिलती है, सो ये भी काफी बढ़िया है। मतलब एवरेज राइडर हाइट यहाँ पे आपको 5 टू 6.5 फीट तक के लोग इसे इजीली यूज कर सकते हैं। बात करें इसकी प्राइस की तो ये आपको अराउंड 15,500 रुपीज में अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा। सो गाइस अगर आपका टाइटली 15,000 रुपीज तक का बजट है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। इस प्राइस रेंज में ये आपकी सारी नीड्स को पूरा करती है। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। अभी गाइस एट नंबर 2 पे आने वाली साइकिल आपको अगेन हरकुलस की तरफ से रोडियो एसटीआर देखने को मिलती है। बता दूं कि हरकुलस रोडियो सीरीज काफी ज्यादा मैन्युफैक्चर करता है, एंड लिटरली इस सीरीज की साइकिल्स 20,000 रुपीज से अबव प्राइस रेंज में मिलती है, लेकिन रोडियो एसटीआर आपको 15 टू 16,000 रुपीज की प्राइस रेंज में मिल जाएगी। बाकी ऑफर्स में ये आपको और भी कम प्राइस में मिल सकती है। रोडियो सीरीज स्पेशली रफ एंड टफ साइकिल्स होती है, मतलब इससे आप ऑन रोड एंड ऑफ रोड के साथ में स्टंट भी काफी अच्छे से कर सकते हैं। इवन इसे आप माउंटेन्स पे भी इजीली लेके जा सकते हैं, सो ये भी काफी बढ़िया है। आप देख सकते हैं अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ में सभी कंपोनेंट्स लाइक ब्रेक्स टायर्स गियर्स प्रीमियम क्वालिटी के यहाँ पे यूज किए हैं। फ्रेम साइज यहाँ पे आपको 17 इंच का हाईटेक कार्बन स्टील फ्रेम मिल जाता है, जो कि काफी लाइटवेट होता है। स्पीड एंड कम्फर्ट भी यहाँ पे आपको अदर साइकिल्स के कंपेरिजन में ज्यादा मिलता है। टायर साइज यहाँ पे आपको 27.5 इंच के मिल जाते हैं, जो कि हाई क्वालिटी स्पोक व्हील्स के साथ में आते हैं। बाकी गियर्स में यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी माइक्रोशिफ्ट गियर्स मिल जाते हैं, सो ये भी काफी बढ़िया है। ऑल ओवर ये साइकिल उन लोगों के लिए है जिनको ऑन रोड एंड ऑफ रोड के साथ में स्टंट करने के लिए एक अच्छी सी साइकिल लेनी है। बात करें इसकी प्राइस की तो ये फिलहाल आपको 15,600 रुपीज में अमेजोन पे देखने को मिल जाएगी। बता दूं कि इसकी प्राइस काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, सो इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी सेल्स में अगर आप इसे ट्राई करें तो ये आपको और भी कम प्राइस रेंज में मिल सकती है। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। गाइज लास्ट नंबर 1 पे आने वाली साइकिल आपको फायरफॉक्स की तरफ से बैड एटीट्यूड देखने को मिलती है। बता दूं कि ये साइकिल हमारी इस लिस्ट की वन ऑफ द बेस्ट साइकिल है, जो कि स्पेशली साइकिल्स मैन्युफैक्चर करता है। बाकी ट्रस्ट में ये साइकिल आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट साइकिल हो सकती है। सबसे पहले आप इसकी डिजाइन देखिए, प्रीमियम कलर कॉम्बिनेशन में ये काफी अट्रैक्टिव एंड अदर साइकिल्स के कंपैरिजन में एकदम डिफरेंट लगती है। यहाँ पे आपको इस साइकिल में 2 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, मतलब सब कुछ सेम है, बस कलर्स एंड टायर्स का फर्क है। आपको
आपको मैं दोनों की ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपनी नीड के हिसाब से इन्हें परचेज कर सकते हैं। फ्रेम साइज यहाँ पे आपको 17 इंच का मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंटरनल वायरिंग मिल जाती है, जिससे इसका लुक और ज्यादा इनहेंस हो जाता है। 29 इंच के टायर्स के साथ में यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी व्हील्स मिल जाते हैं, जिसमें एवरेज राइडर हाइट 5-6.5 फीट तक के लोग इसे इजीली यूज कर सकते हैं। बात करें इसके गियर्स की, तो यहाँ पे आपको 21 स्पीड शिमानो गियर्स मिल जाते हैं, जो कि EF500 शिफ्टर्स के साथ में आते हैं, मतलब गियर्स यहाँ पे इजी टू यूज, क्विकली शिफ्ट कर सकते हैं। रियर एंड फ्रंट बोथ साइड यहाँ पे आपको डुअल डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, जिसमें जो इसके वायर्स है वो भी आपको हैवी क्वालिटी के मिलते हैं। अब बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आपको अराउंड 16,700 रुपीज में अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप इसे सेल्स में ट्राई करें तो ये आपको 15,000 रुपीज में मिल सकता है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये साइकिल आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट साइकिल हो सकती है। सो अगर आप इसे खरीदना चाहे तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस साइकिल खरीदने का अगर आपका कोई डिफरेंट क्राइटेरिया हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अलग अलग प्राइस रेंज के हिसाब से अलग अलग साइकिल्स देखने को मिल जाएगी। बाकी गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ में।